लॉकडाउन के दौरान आर्मी की वर्दी पहनकर वह ब्लोरो गाड़ी के आगे पीछे ऑन ड्यूटी इंडियन आर्मी का स्टिकर लगाकर लोगों को गुमराह करने व उनके साथ मारपीट करने के आरोप में हतीन थाना पुलिस ने 3 फर्जी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 बजे अपने घर पे बैठे थे, मैं बड़ा भाई था, तो ये बोलेरो में 3 बंदे आए थे जिसने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी। एक दो बंदे ने ड्रेस पहनी थी, एक टी शर्ट में था सर, जो ड्राइवर कर रहा था, मूछ थी उसके अंदर, उसके चेहरे पे। तो उसने आते ही एकदम सोटा दिया हाथ में, फ्रैक्चर हो गया मेरे में। फ्रैक्चर होने के बाद वो कल जैसे पता पड़ी हो तो डुप्लीकेट है। उसके बाद हम थाने आए, थाने में रात को आने के बाद फिर साहब कह रहे थे MRR कटेगी। थाने वाले वो एस हॉस्टल वाले ये कह रहे पहले उसकी वो लेके आओ DD, और वो ये कह रहे थे वो पहले MRR कटवाओ। भाई परेशान हो रहे हम तो, थोड़ा दिन क्या है। तो कौन सी जगह की घटना हुई थी आपके साथ? तीन फायर ब्रिगेड के पास में, शांतिनी के नियर शांतिनी के स्कूल। तो आपसे आते ही इन्होंने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला सर, मारते ही हुए छोटा, और छोटा भी ऐसा लंबा तगड़ा जी बाबूजी नाजिल है। तो ये फर्जी तरीके से पकड़े गए, इनकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, सूचना 4-5 दिन से आ रही थी कि इलाका में कुछ फौज के जवान हैं और एक बलेरो गाड़ी में, जिसपे गाड़ी के पीछे इंडियन आर्मी ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है आगे पीछे, और वो जहाँ भी लोग बाग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं उनको बुरी तरह से मार पिटाई कर रहे हैं, और जिनके हाथों में कुछ पैसे वगैरह भी है तो हो सकता है पैसे भी छीनते हैं। इस तरह की हमारे पास सूचना आई थी, जिस सूचना को लेकर एरिया में हम भी उनकी तलाश कर रहे थे। तो जैसे ही उनको हमने नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया तो उसका नाम पता पूछने पर अपने नाम सुरेंद्र सनम नरेंद्र, निवासी औरंगाबाद, और सुरेंद्र पोसवाल सनम टेकराम, निवासी फुलवाड़ी, और दीपक सनम जगत सिंह, निवासी औरंगाबाद बतलाया, जिन्होंने सुरेंद्र सनम नरेंद्र ये फर्जी मेजर बना हुआ था जो फौज की ड्रेस के अंदर था, और ये सुरेंद्र पोसवाल था, ये मिलिट्री में नौकरी कर रहा है जो श्रीनगर में पोस्टेड है। तो लगभग कितने दिनों से ये इस तरह का कार्य कर रहे थे? ये लगभग 4-5 दिनों से एरिया में जहाँ भी हथीन पलवल मेढगोला इन एरियो में घुमाई फिराई कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों को पीट कूट रहे थे, लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। जो भी किसान वगैरह खेतों में जाते थे उनको भी पिटाई कर रहे थे। तो अब इनसे क्या क्या चीज़ बरामद हुई है, क्या मामला दर्ज किया गया है? अभी तो इनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है, धारा 188, 269, 270, 171 और 420, 467, 471, 467 और 51 डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और आज एक दिन की पुलिस रिमांड पर है। और भी कुछ कबूलने की आशंका है इनसे, कुछ बताने की? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी चल रही है। कई लोगों के उन्होंने हाथों में भी बताया कि फ्रैक्चर भी आए हैं मारने से। अभी लोग हमारे सामने कुछ आए नहीं है, फिर भी हम पूछताछ कर रहे हैं अभी।